कोरोना वायरस को रोकने और उसकी पहचान को लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सबसे पहले थर्मल स्कैनर से इसकी जांच की जाती है, लेकिन साहिबगंज के सदर अस्पताल को छोड़कर एक भी ब्लॉक में थर्मल स्कैनर नहीं है, जबकि जिले में 9 ब्लॉक है। वही अब तक जिले में 70 लोगों की जांच की गई है, वो सभी सामान्य थर्मामीटर से और डॉक्टर काउंसलिंग के जरिए की गई। इन क्षेत्रों में बाहरी मजदूरों का आना शुरू है, ऐसे में बरहरवा स्टेशन चौक मेडिकल दुकानदार एहतियातन अपने थर्मल स्कैनर से लोगों की जांच कर रहे हैं। मकसद है लोगों को राहत पहुंचाना। एक्चुअली होता है कि बिल्कुल स्टेशन के बगल में है, बरहरवा जंक्शन के बगल में ये आपका अनुपम मेडिकल हॉल है, और कई दिनों से कोरोना के दहशत का समाचार जाने के बाद से भारी संख्या में इधर के मजदूर जो दूसरे अन्य अंतर्राज्यीय मजदूर हैं वो भारी संख्या में उतर रहे हैं। उन्हें हम लोग रोकने की भी कोशिश करते हैं, प्रशासन भी रोकता है कि आप आए हैं तो आपके प्रॉपर जांच की जरूरत है। वही जिले के सिविल सर्जन ने भी कहा है कि जिले में 2 थर्मल स्कैनर हैं। वैसे सदर अस्पताल कोरोना से लड़ने के लिए तैयार है, जबकि सामुदायिक केंद्रों में आए संदिग्धों की जाँच के लिए रेफर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उसकी जांच सेंटर इससे हो रहा है, दूसरा थर्मामीटर से हो रहा है, इससे हो रहा है और क्लिनिकली साइंस थर्मामीटर थर्मल स्कैनर जो होता है थर्मा ना हम लोग को अभी तक कोई प्रोवाइड नहीं किया गया, कुछ भी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ यही इंस्ट्रक्शन हम लोग को मिला है कि अगर कोरोना का लक्षण आप लोग को दिखता है तो उसको साहेबगंज सदर हॉस्पिटल भेजा जाए, जहाँ पर वार्ड। साहेबगंज में संदिग्ध मरीजों की जांच के लिए सभी प्रखंड अस्पतालों में थर्मल स्कैनर की आवश्यकता है, जिसको सरकार के द्वारा जल्द मुहैया कराना जरूरी है ताकि जांच जल्द हो। ये अच्छी बात है कि अब तक जिले में एक भी कोरोना का संदिग्ध नहीं मिला, लेकिन तैयारी और सावधानी भी जरूरी है। साहिबगंज से न्यूजीलैंड भारत के लिए सुधाकर गुप्ता की रिपोर्ट।